कठोपनिषद का व्याख्या करते हुए वर्णन किया, जो हमारे आराध्य देव हैं श्री राम, वह परमपिता परमात्मा स्वतः प्रकाशित हुए हैं, कोई कारण नहीं है, अपनी इच्छा से इस जगत में जन कल्याण के लिए जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप है, विकार रहित है, नित्य है, अनादि काल से है, वह हमारा आराध्य देव। जन पावन, जन को पवित्र करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए उसको पूर्ण गुरु का मिलाप करवाती है। पूर्ण गुरु नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने सम्मुख, अपने साथ जुड़े हुए साधकों को नाम जाप, नाम भजन, नाम ध्यान के साथ जोड़ करके यह विधि है, यह मार्ग है अपना कल्याण करना, समस्त दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से छुटकारा, यही एक विधि है और सरल पथ है, सहज है, कठिन नहीं है। चौथी वल्ली में गुरु महाराज लिखते हैं, स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को पर विषयों में जाने वाली रचा है, वह भगवान जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, किसी कारण से ही इस ब्रह्मांड में वह प्रकाशित नहीं हुआ अपनी इच्छा से। अब उसने इन इंद्रियों को रचा है, प्रत्येक मानव के को जो इंद्रियां प्राप्त हैं इसका रचयिता वह परमपिता परमात्मा ही है, और यह इंद्रियां उसके द्वारा व्याप्त जो माया है उस ओर यह आकर्षित होती हैं। इस कारण मनुष्य विषयों को देखता तथा जानता है, इन विषयों में विचरना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम भाव, ये उस परमात्मा द्वारा ही रचा गया है। इंद्रियां भी उसके द्वारा रची गई हैं। इंद्रियों का अपने विषयों में आकर्षित होना स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, परंतु अनियंत्र उन विषयों में भटकना, इस पर भगवान ने कहा ये अज्ञान है, मुझे अपने विश्व को चलाना है, इस संसार को चलाना है, कोई नियम है, कोई आधार है, उसका पालन करना और उसके लिए लालायत रहना दोनों भिन्न है। इसलिए मानव उन विषयों की ओर खींचता है, उनको देखता है, उनको जानता है। जानने की शक्ति किसने दी है? उसी परमात्मा ने दी है। नवजात शिशु जन्म लेते ही किस प्रकार से दूध को पीता है किसने सिखाया? यह परमात्मा ने, वह शक्ति, वह ज्ञान दिया हुआ है।
किसी के नाश खाने पर भी नवजात शिशु किस प्रकार स्तन से दूध पीने लगता है। इसी प्रकार इंद्रियां इन विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और आत्मा को नहीं देखता। ये मानव उन विषयों में विचरता हुआ विषयों के रस को तो लेता है परंतु आत्मा को नहीं देखता, जिस आत्मा के कारण यह इंद्रियां कार्य कर रही हैं, जिस शक्ति से इंद्रियां कार्य कर रही हैं उनको ही नहीं जानता, उनको नहीं देखता। हां, पूर्ण गुरु के मिलाप से, गुरु आदेश का पालन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, दृढ़व्रती विश्वासी, यह कोई विरला ही हुआ करता है। अन्यथा आप देखेंगे करने वाले पर हित परोपकार करने वालों की कमी नहीं है, बहुत है। यथा संभव वह सब वह शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। फिर कुछ ना कुछ नाम का जाप भी उनमें से कुछ एक करने लगते हैं, कुछ एक उनमें से भी। अन्यथा दान देकर सेवा करके मंदिर में मत्था टेक करके बस इसी से वह तृप्त हो जाते हैं। अगर उनको कहा जाए कि अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए तो कहेंगे ये बहुत कठिन है, बस हम इतने में ही संतुष्ट हैं। परंतु कोई विरला धीर पुरुष अमृत को, मोक्ष को चाहता है, कोई विरला। एक एक शब्द लाखों करोड़ों में कोई एक। कोई विरला धीर पुरुष अमृत को, मोक्ष को चाहता हुआ आंखों और इंद्रियों को मूंद कर अंतर आत्मा को देखता है तथा आत्म चिंतन करता है, कोई विरला ही। गुरु महाराज के उस कथन को विचारने लगता है कि जो राम नाम का जाप गुरु महाराज ने मुझे दिया है, आदेश किया है, गुरुदेव ने कहा है, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। इस भव सागर के जो भय है, इस भव सागर के भय क्या होगा, जो रोग हैं, कष्ट हैं, तकलीफ हैं, बाधा विघ्न हैं, ये राम नाम के जाप से सभी इनसे निस्तारा हो जाता है, क्योंकि इस भव सागर से ही वह पार पा जाता है, अर्थात इस लोक को ही त्याग कर देता है। क्योंकि जो इस लोक में दुख हैं, कष्ट हैं, बाधा विघ्न हैं, ये सर्वत्र रहने वाले हैं, इनसे कोई नहीं बच पाएगा। परंतु विधि से नाम ध्याइए, अगर विधि पूर्वक नाम का ध्यान, नाम का जाप किया जाएगा तो
इनसे सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है, सदा के लिए। कैसे? राम नाम धुन ध्यान से, राम नाम की धुन भीतर हर परिस्थिति में, हर अवस्था में मेरा राम, सारी दुनिया एक पासे, जो बाहर के परिवर्तन है यह तो अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत है। रोग शोक महाकष्ट कलेशा, ये रोग, ये शोक, ये महाकष्ट, ये क्लेश, ये तो जीवन का अंग बने रहेंगे। फिर भय, जो नाम जाप की लीनता की लय अवस्था को नहीं प्राप्त होते, ये उनसे नहीं छूट सकते, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक शरण राम की ले ली जावे, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर लिया जावे, तो यह स्वतः ही मानव का पीछा छोड़ देते हैं। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। अब जब शुभ जाग जावेंगे, अशुभ मूर्छित हो जावेंगे। जीवन में वह आनंद मानव इसी लोक में अनुभव करने लगेगा। इसके लिए गुरु महाराज ने जो कहा है उसका पालन करना होगा। हे देव, मुझे दया कर तारिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। कोई विरला ही इस अमृत के लिए प्रयत्न करता है, कोई विरला। क्या यह सारा जगत उसका है? जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देने वाला है। हे प्रभु, मेरे ऊपर भी दया कर दो। मुझे दया कर तारिए, किससे तारिए? भव सागर, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दीजिए। महाद्वीप स्वधाम दे, महाद्वीप सागर के बीच में जो द्वीप, छोटी सी वह पहाड़ी जो समुद्र से ऊंची होती है, वह द्वीप जहां जीवन है। भक्त याचना करता है, प्रार्थना करता है इस भव सागर में, जहां बहुत कठिनाइयां हैं। अब मुझे ठौर ठिकाना दे दे अपने धाम का, महाद्वीप। महाद्वीप स्वधाम दे, जो तेरा धाम है, तेरा घर है। करिए अगाध प्यार, जिससे प्यार होगा उसको ही आप अपने घर में स्थान देंगे। व्यवहारिक रूप में देख लीजिए, जिससे आप प्यार करते हैं, आपके हृदय में जिसके लिए आदर है, सम्मान है और प्यार है, तब आप ये नहीं देखते कि घर के कितने कमरे हैं। आप उसे निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे यहां पर आए, हमारे घर में रहें, आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे होगा? अरे आप आओ तो सही, हृदय में स्थान चाहिए। यही तो भक्त कह रहा है, हे भगवान, मुझसे प्यार करके आप मुझे अपने उस महाद्वीप में, अपने घर में मुझे स्थान दीजिए। परम प्रभु जगदीशी, परम प्रभु
जगत का ईश, वह ईश्वर जो सारे जगत का ईश्वर है। परम शरण तव धार, मैं तेरी शरण को धारण करके निर्भय पद मुझको मिले, मुझे वह पद वह स्थान जो निर्भय, जहां भय नहीं है, इस लोक में तो भय है। सूक्ष्म भय अपने प्रिय का बिछोड़ा ना हो जावे, यह सूक्ष्म भय भीतर नहीं समाप्त होता, मुख से बोले अथवा ना बोले। अपने भाव किसी के सम्मुख प्रकाशित करे अथवा ना करे, अगर यह भाव यही मां के हृदय में अपनी संतान के लिए और संतान को अपनी मां का बिछोड़ा ना हो जावे, ये सूक्ष्म भाव भीतर छुपा रहता है, समय समय पर आक्रमण करता है और उजागर होता है। साधारण मानव भीरू हो जाता है, डरपोक भयभीत हो जाता है, उसको नहीं सूझता क्या करूं, और राम भक्त राम की शरण को ग्रहण करके ये भाव को तुरंत बाहर निकाल देता है कि हे प्रभु तू ही रक्षा करने वाला है, तू ही जन्म देने वाला है और तू ही आयु को देने वाला है, तू ही कृपा करने वाला है। वह अपने नाम के जाप में लीन हो जाता है। डर भय सर्वथा उसका समाप्त हो जाता है। हे प्रभु इस लोक में तो यह बना रहता है समय समय पर, परंतु मुझे वह पद वह स्थान वह धाम वह तेरा द्वीप मुझे प्राप्त हो जहां यह भय है ही नहीं, क्योंकि वहां जन्म और मृत्यु बुढ़ापा ये सब कुछ है ही नहीं उस लोक में, ना भूख है ना रोग है ना बिछोड़े का सोग का कोई कारण है, वहां इससे मुक्त है वह, मुझे वह धाम दे दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझसे तुम प्यार करो, मैं तेरा हूं तू मेरा है मेरे राम। परम प्रभु जगदीशी परम शरण तव धार, अब मैंने तेरी शरण को धारण कर लिया है, परम शरण निर्भय पद मुझको मिले, पार करूं संसार, मैं इस संसार सागर से सर्वथा पार हो जाऊं। यह कोई विरला ही मनुष्य इस कार्य के लिए, इस अपनी अभिलाषा को रखते हुए नाम का जाप करता है, मुझे तेरा पद प्राप्त हो जावे। हे गुरुदेव आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार इस समय इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ हो रहा है, जो सायं 4 बजे भजन कीर्तन के साथ संपन्न होगा। धन्यवाद। वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धियास्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार।